नमस्कार, आप देख रहे हैं HMTV लाइव। आपके साथ मैं हूं AL द्विवेदी। आइए देश दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं। आज हम हैं जनपद बहराइच के विकास खंड विशेषज्ञ अंतर्गत पुराना बाजार स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में, जहां हमारे साथ आयुर्वेद के डॉक्टर साहब मौजूद हैं और इनके माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुँचाना चाहूँगा कि मौसम का उतार चढ़ाव जैसे इस समय हो रहा है, आयुर्वेद पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि आयुर्वेद रोग को जड़ से ख़त्म करता है, तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम, शुभ नाम? हमारा नाम राजेंद्र मिश्रा है, हम वरिष्ठ फार्मासिस्ट जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि इससे पहले यहाँ मुरैना में बहुत दिन से आयुर्वेद चिकित्सालय था, लेकिन लोग क्या ऐसा लोग कहते थे कि यहाँ किसी को दवाई नहीं मिलती है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, कहीं कुछ कोई आता जाता भी नहीं है, और जर्जर बिल्डिंग भी थी। जब से आप आए हैं और तब में अब में क्या फर्क आपको दिखा, क्या अंतर? काफ़ी अंतर है। यहाँ रोगियों का स्कोप जो है बिल्कुल बढ़ गया है। 25 से 30 रोगी पर दिन आते हैं। इस समय मौसम जनित बीमारी है, कफ ज्वर प्रतिसार और उदर रोग, जिसका हमारे यहाँ लगभग समूल इलाज संभव है, और हमारे यहाँ सरकार की तरफ से सारी दवाएँ भी उपलब्ध हैं। जो भी रोगी आते हैं उनकी समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है और प्रयास किया जाता है कि हर कोई को इसका लाभ मिले। डॉक्टर साहब, एक दिन में लगभग कितने मरीज ऐसे आते होंगे जो आपसे संतुष्ट होकर जाते हैं, या फिर वो दोबारा आते होंगे, तो आपको क्या कैसे, किस उनका बिहेव कैसा रहता है जिससे आप आए हैं, और इस बारे में बताइए? हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 30 से 35 रोगी आते हैं, जिसमें ज़्यादातर रोगी 4-5 दिन की दवा हम लोग देते हैं, खाने के बाद आते भी हैं। कुछ लोग जो मतलब हल्की फुल्की बीमारी से पीड़ित हैं वो ठीक भी हो जाते हैं। बाकी चिकित्सालय के बारे में लोगों को कहना है कि यहाँ कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी कुछ लोगों से बात किया, मरीजों से, तो आयुर्वेद तो वो लोग भरोसा नहीं दिखा पाते हैं, कहते हैं एलोपैथ दवाएँ हैं, ये हमको तुरंत लाभ करती हैं। और आप आयुर्वेद के बताया है आपने कि फार्मासिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है आयुर्वेद और एलोपैथ में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। आयुर्वेद की दवाएं रोग को जड़ से समूल समाप्त करती हैं, एलोपैथ की दवाएं क्षण मात्र लाभ तो देती हैं, लेकिन जितना फायदा आयुर्वेद की दवाओं से हो सकता है उतना उससे प्राप्त नहीं होता। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया आयुर्वेद और एलोपैथ के बारे में, और डॉक्टर साहब एक विशेष सवाल ये है कि आप यहाँ जो पेशेंट आते हैं, क्या जटिल से जटिल बीमारियों के जो रोगी हैं उनका उपचार भी यहाँ आप कर सकते हैं? लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाता है कि जब बीमारी का पता चल जाए तो हम लोगों के यहाँ दवाएँ उपलब्ध हैं और हम लोग उसका उपचार करते हैं। तो इस संस्थान में भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीन नहीं है जिससे आप पता लगा सकें कि आदमी को क्या है, कौन सा रोग है, किस तरीके से आपका तरीका कैसा होता है, कैसे आप पता लगाते हैं कि ऐसी बीमारी या गंभीर बीमारी है या क्या है, क्या कैसे जान लेते हैं? अब गंभीर बीमारियों के बारे में तो ये है, जो जितनी सर्जिकल बीमारियाँ हैं उनमें बिना जाँच के हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं, और लक्षण के अनुसार जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हैं, लक्षण के अनुसार जैसे कफ ज्वर है और विषम ज्वर है, जीर्ण ज्वर है, उदर विकार है, अतिसार है, और अर्श है, पाइल्स, लिकोरिया, स्वेट प्रदर, इस तरह के तमाम बीमारियों के मतलब लक्षण के अनुसार ही इलाज किया जाता है। क्या इस तरह की सारी दवाइयाँ यहाँ मौजूद हैं, उपलब्ध हैं? जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक इस एरिया के लिए, इस विकासखंड के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है कि यहाँ अब मरीजों को आयुर्वेद की दवाएं मिल सकती हैं। HMTV लाइव के लिए अमित कुमार पाठक, चला रहा है।